हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर फ्रेंड हनी। गाइज, अभी हो रहा है डिनर का टाइम, लगभग 8 बज रहे हैं गाइज। और आज हस्बैंड ने बोला है कि पालक पनीर बनाना है। और गाइज, काफी दिनों से मेरे सब्सक्राइबर लोग बोल रहे थे मुझसे कि दी आप कभी पालक पनीर बनाओ तो उसकी रेसिपी प्लीज शेयर करना। तो गाइज, मैंने सोचा आज आप लोग के साथ में पालक पनीर की रेसिपी शेयर करूँ। तो चलिए गाइज, बिना लेट करे हम लोग अपनी रेसिपी शुरू करते हैं, अपना वीडियो शुरू करते हैं, वरना बहुत लंबा हो जाएगा हमारा वीडियो। और गाइज, मैं कैमरे को अपने थोड़ा अलग एंगल में सेट करूंगी ताकि आप लोग को अच्छे से दिखाई पड़े रेसिपी कैसे बन रही है। तो चलिए गाइज, शुरू करते हैं फटाफट से वीडियो अपना। तो गाइज, सबसे पहले हम लोग एक ऐसा कटोरा ले लेंगे या पैन ले लेंगे या कुछ भी ले लेंगे, उसमें हम लोग ड्रिंकिंग वाटर डालेंगे, मतलब पीने वाला ही पानी यूज करेंगे। तो गाइज, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक ऐसा पैन लेना है या कटोरा, जो भी आपको समझ में आए लेना है। उसमें लगभग 1 से 1.5 लीटर पानी डाल लेना है, उसको अच्छा सा गर्म करना है, हीट अप करना है अच्छे से, पानी को बॉईल आना चाहिए पानी में। उसके बाद हम लोग को अपना जो वॉश किया हुआ जो हमारा पालक है वो इसमें डालेंगे, पर फिलहाल पहले से थोड़ा बॉयल आने देंगे पानी में। गाइज, हमारे पानी में बॉयल आ चुका है, अब हम लोग डालेंगे इसमें अपना वॉश किया हुआ पालक। और उसको इस तरीके से थोड़ा दबाएंगे पानी में, और गाइस ओनली लगभग 2 से 2.5 मिनट ही आप लोगों को इसको गर्म पानी में रखना है, गैस पे ही, मतलब सिम पे, एकदम लो फ्लेम पे, और ऐसे चलाते रहना है। नीचे से ऊपर ले आना है और ऊपर वाले नीचे कर देना है इस तरीके से। चाहे तो बड़ा आप थोड़ा बाउल जो आप ले रहे हैं थोड़ा बड़ा ले लें। गाइज, पानी आपको अच्छे से बॉईल कर लेना है पहले, ताकि ज्यादा देर हमको पानी में डाल के ना रखना पड़े, क्योंकि अगर हम ठंडे पानी में इसको डालेंगे और साथ में बॉईल करेंगे तो हमारा इसके काले पड़ने के चांस हो जाते हैं। पहले से हॉट वाटर लेना चाहिए, जिसमें लगभग 1-2 मिनट हमको चलाना है इसको गैस पे ऐसे ही, और उसके बाद कर देंगे गैस बंद। गाइज, लगभग 2 से 3 मिनट मुझे हो गए हैं इसमें पानी को बॉईल करते, मतलब पानी में इसको बॉईल करते करते। अब हमको इसको फटाफट से निकालना है ठंडे पानी में। गाइज, मैंने एकदम बर्फ वाला पानी लिया हुआ, एकदम चिल्ड है, इसमें हम लोग निकाल लेंगे फटाफट से। गाइस देखिए, मैंने इसको एकदम पानी, ठंडे पानी में, चिल्ड वाटर में एकदम डाल दिया है, जिससे इसने अपना कलर नहीं चेंज किया है। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे, हल्का सा निचोड़ेंगे ऐसे करके, और फिर मिक्सी में डाल के 1-1.5 कप पानी डाल के इसको हम लोग ग्राइंड कर लेंगे। गाइज, हमारा पेस्ट रेडी हो गया है, अब हम इसको बनाएंगे। देख लीजिए, बिल्कुल चटनी के जैसा पीसा है, ज्यादा पानी नहीं डालना है इसमें, एक ग्लास से भी थोड़ा कम ही डाला है, और चटनी जैसा पीस लिया है इसको। और गाइज, हमको डालना है इसमें लगभग, मैंने 1.5 टमाटर लिया है सिर्फ, एक आधा काटा था और एक पूरा डाला है, छोटा छोटा लिया था। और गाइज, इसमें 2 छोटे छोटे ऑनियन काटे है मैंने, मतलब प्याज, और 1 लहसुन काट लिया है, छोटा सा जिंजर काट लिया है, और 3 ग्रीन चिली ले ली है, और ये गाइज लगभग 250 ग्राम है पनीर हमारा। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं अपना पनीर बनाना। गाइस, मैंने एक पैन रख लिया है गैस पे, आप चाहे तो कढ़ाई ले सकते हैं, कोई सी भी चीज रख सकते हैं अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से। और मैंने गाइस सरसों का ऑयल लिया है, सरसों के तेल यूज करती हूँ मैं इस तरह की सब्जियां बनाने के लिए। तो लगभग 3 टेबल स्पून आप मान लीजिए कि इसमें हम लोग डालेंगे, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है इसके लिए, इस हिसाब से मैंने आपको 3 टेबल स्पून बता दिया, क्योंकि इसका थोड़ा बड़ा है फेस, तो लगभग 2 डालने से भी सफिशिएंट है, बट आप अगर डाल रहे हैं तो आप 3 डालें एटलीस्ट। और सरसों के ऑयल को ही ज्यादातर यार गाइस यूज कीजिए, ज्यादा सही रहता है। मेरे हस्बैंड तो मुझे सिर्फ यही वाला बोलते हैं डालने के लिए, तो मैं खासकर से इस तरह की सब्जियां मुझे वैसे भी सरसों के तेल में बनाने में अच्छी लगती है। तो हमारा ऑयल गर्म होने वाला है, ऑयल गर्म हो गया गाइस, अब हम उसमें डालेंगे अपना जीरा, एक दो गाइस हम लोग उसमें डालेंगे खड़े मसाले अपने, जैसे कि कुछ काली मिर्च हो गई, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, थोड़ा दालचीनी भी डाल दिया छोटा छोटा, 2 लौंग डाल दिए गाइस, तेज पत्ता डाल दिया,
गाइज आप लोग चाहें तो बड़ी इलायची छोटी इलायची कुछ भी डाल सकते हैं, पर मैंने थोड़ा ही डाला है क्योंकि मुझे नुकसान करते हैं गरम मसाले ज्यादा। अब गाइज डालेंगे इसमें हम लोग अपना चॉप्ड ऑनियन और गार्लिक ये सब। आप चाहें तो पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं, पर मैं हमेशा कट करके डालती हूँ, ऐसे चॉप करके डालती हूँ। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। गैस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन हो चुका है ऑलमोस्ट, हल्का लो कर देंगे फ्लेम वरना जल सकता है। अब डालेंगे इसमें हम लोग अपने चॉप टोमेटोज डालेंगे। अब हल्का सा हमने इसको लगभग एक मिनट चला दिया है। अब हम लोग डालेंगे इसमें अपने सारे मसाले। गाइस इसमें हम लोग डालेंगे अपने मसाले जैसे कि रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, सॉल्ट और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, जरा सी, ज्यादा नहीं डालनी है वरना हमारा ये पालक पनीर पूरा पीला पीला हो जाएगा, तो हमको पीला नहीं करना है, उसको हरा ही रखना है। तो इसमें हम लोग डालेंगे अपना धनिया पाउडर, सॉल्ट, थोड़ा सा रेड चिली क्योंकि हम लोगों ने ग्रीन चिली इसमें 3-4 काटे हुए थे पहले से इसके अंदर, और थोड़ी सी हल्दी, ज्यादा नहीं वरना हमारा जो पालक पनीर पीला पीला दिखेगा। करेंगे मिक्स अच्छे से। ओनली 1 pinch लगभग गरम मसाला डालेंगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं डालेंगे। करेंगे अच्छे से मिक्स इसको। गैस में हम लोग थोड़ा 1/2 cup पानी ऐड करेंगे। अब गैस हम लोग उसको लिड से कवर कर देंगे लगभग जब तक ये हमारा मसाला अच्छे से फ्राई नहीं हो जाता तब तक। गैस वो कवर कर दिया और फ्लेम फुल कर दिया मैंने, हम उसको फ्राई होने देंगे हम लोग थोड़ी देर, बीच बीच में चलाते भी रहेंगे खोल खोल के, पर ऐसे बंद भी रखना और चलाना भी है साथ के साथ। गाइज अब हमारा मसाला ऑलमोस्ट फ्राई हो गया है, इसको खोल के चलाएंगे थोड़ा सा। आप लोग गाइज पेस्ट बना के बनाएंगे तो भी अच्छा स्वाद आएगा, लेकिन मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। गाइज इसमें हम लोग ऐड करेंगे अपने कटे हुए पनीर, और अच्छे से इसको कर लेंगे मिक्स। गाइस लगभग 2-4 मिनट हमको इसको ऐसे फ्राई करना है हल्का सा पानी ऐड करके, और गैस हम लोग अपना फुल रखेंगे। आप लोग चाहें तो पनीर को पहले से फ्राई करके इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं कभी फ्राई नहीं करती हूँ ऑयल में, मैं डायरेक्ट सब्जी में डालती हूँ ऐसे ही। गाइस हल्का सा पानी ऐड करके इसको हम लोग लिड से कवर कर देंगे। लगभग 2-3 मिनट्स के बाद हम लोग उसको ओपन करेंगे और अपना ग्रेवी, हम लोग अपना पालक का ग्रेवी ऐड करेंगे, तो लगभग 3 मिनट बाद इसको खोलेंगे और गैस रखेंगे फुल पे। गाइस लगभग 3 मिनट्स के बाद इसको खोलेंगे और गैस को हल्का लो कर लेंगे। अब देखिए गाइस हमारी ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए पनीर। अब इसमें ऐड करेंगे अपना ग्रेवी। गाइज इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स हम लोग, और लगभग 2 मिनट तक ही मिक्स करना है और उसके बाद कर देंगे गैस बंद, ज्यादा नहीं करना है, ओनली फॉर 2 मिनट्स ऐसे चलाएंगे हम लोग, ओपन करके ही चलाना है, और फ्लेम को चाहे तो हल्का सा मीडियम रखें। दो 3 मिनट हो गए हैं चलाते चलाते, हम कर देंगे गैस को बंद। हमारा पालक पनीर बिल्कुल बन चुका है।
ज्यादा इसको नहीं पकाएंगे वरना इसका कलर भी डार्क हो जाएगा। ऐसे ही एकदम ग्रीन ग्रीन लगता है और बहुत टेस्टी भी लगता है। तो गाइस कैसी लगी आपको मेरी आज की पालक पनीर रेसिपी मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा जरूर, और अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जो भी नया है मेरे चैनल पे। और गाइस अभी डिनर का टाइम हो रहा है, फटाफट से डिनर बनाना है, बस रोटी बनानी और खाना है। चलिए गाइस मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले व्लॉग में किसी स्टोरी के साथ या किसी अच्छे से डे रूटीन के साथ। तब तक के लिए दे दीजिए मुझे इजाजत, सायोनारा।